हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के मैं आपको बीजेएमआई के ए टू रॉयल पास के वीक फोर के सारे मिशन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके मिशन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो जरूर चेकआउट करना और मैं अपने चैनल को मेंबर्स को भी शाउट आउट देना चाहूंगा। तो फिर देखते हैं फर्स्ट मिशन कौन सा है। तो फर्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए इलाइट पिकअप कॉम्पनसेटर इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। दोस्तों आप देख सकते हो इन्हें कॉम्पनसेटर कहते हैं। तो इनमें से आपको दोस्तों कौन सा भी एक या फिर ये तीनों उठाए तो भी चलेगा। आपको क्लासिक मैच में उठाना है तो आप रैंक के अंदर भी कर सकते हो या फिर अनरैंक मोड में। और अगर आप ये तीनों उठा लेते हो तो एक मैच में ही आपका 3 काउंट हो जाएगा, जिससे आपके मिशन सिर्फ 2 मैच में हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन है 100 आरपी पॉइंट्स के लिए इलाइट फिनिश 1 एनिमी विद इन 60 सेकेंड्स ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो दोस्तों आपको क्लासिक मोड के अंदर खेलना है, रैंक हो या अनरैंक मोड के अंदर, और शर्त इतनी है कि उतरते ही 1 मिनट के अंदर आपको एक एनिमी को फिनिश कर देना है। तो आप क्या करो, अनरैंक लगाओ, हॉट ड्रॉप वाले जगह पर उतरो और उतरते ही आप एक एनिमी को पूरा फिनिश कर दो, मतलब आपका दोस्तों ये मिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है इस कार्ड के लिए इलाइट पिकअप स्पेक्टनेस लेवल 3 हेलमेट 2 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो आप देख सकते हो ये लेवल 3 का हेलमेट है, तो ये आपको दोस्तों क्लासिक मैच में उठाना है। तो टोटल कितने बार उठा, 2 मैचेस में। तो आप याद रखो लेवल 3 का हेलमेट उठा लो रैंक या अनरैंक मैच के अंदर 2 बार, फिर आपका ये मिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है ये 60 आरपी पॉइंट्स के लिए और ये रिपीटेबल है वीक 4 ओनली, स्पेंड 100 मिनट्स इन मैचेस। तो जैसे जैसे आप बीजेएमआई खेलोगे, रैंक मैचेस, अनरैंक मैचेस, अरिना, तो वैसे वैसे मिनट्स ऐड होंगे और आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो फिलहाल में वीक 4 इजी एडमिशन लाइसेंस की वजह से दिख रहा है, तो ऑफिशियली वीक 4 आप देख सकते, डेट के बाद आप ये मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। फिर नेक्स्ट मिशन है 150 आरपी पॉइंट्स के लिए और ये फ्रेंड बूस्ट है, मतलब अगर आप आपके रॉयल पास के दोस्त के साथ ये मिशन को कंप्लीट करोगे, भी किया ये जो कहा है, तो आपके 0/10 में ऐड हो जाएगा और आपने किया तो उस केस में। मिशन है फिनिश 10 एनिमीज विद एसएमजी इन इरेंगल इन क्लासिक मोड। दोस्तों आपको एसएमजी से 10 एनिमीज मारने हैं इरेंगल मैप के अंदर। तो एसएमजी जिनको नहीं पता, आप देख सकते हो ये एसएमजी गन्स है, तो इनमें से कौन से भी गन से आपको इरेंगल मैप के अंदर 10 एनिमीज मारने हैं। तो आप रैंक के अंदर भी कर सकते हो या फिर अनरैंक में, कहूँगा अनरैंक लगाओ, एसएमजी ले लो और बस एनिमीज को मारते रहो। फिर नेक्स्ट मिशन है 60 आरपी पॉइंट्स के लिए और ये फ्रेंड बोनस है, मतलब अगर आप आपके रॉयल पास के दोस्त के साथ ये मिशन कंप्लीट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स मिलेंगे। फिनिश 3 टाइम्स इन द टॉप 3 इन क्लासिक मोड विद फ्रेंड्स। तो हमें दोस्तों टॉप 3 आना है 3 बार अपने दोस्तों के साथ। तो आप दोस्तों इन गेम के दोस्त ले सकते हो, उनके साथ खेलो। और दोस्तों आप क्या करो, रैंक या अनरैंक के अंदर लिविक मैप लगाओ, जल्दी आपका टॉप 3 आ जाएगा और फिर दोस्तों आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 60 आरपी पॉइंट्स के लिए और ये टीम बूस्ट है, मतलब अगर आप स्क्वाड के अंदर खेलते हो तो स्क्वाड ने किसने भी किया ये जो कहा है, तो आपके 0/2 में ऐड हो जाएगा। तो आप स्क्वाड के अंदर ही खेलना। एलिमिनेट प्लेयर विद पैन 2 टाइम्स विद टीममेट्स इन क्लासिक मोड। तो वो वही कह रहे हैं, आपको स्क्वाड के अंदर खेलना है, आपको पैन से, आप देख सकते हो, पैन से एनिमी को फिनिश करना है। तो 2 एनिमी को फिनिश करना है, तो आप स्क्वाड के अंदर खेलो रैंक या अनरैंक में, और उन्होंने भी किया तो भी आपका ये मिशन हो जाए। फिर नेक्स्ट मिशन है टीआरपी पॉइंट्स के लिए कंप्लीट 8 मैचेस इन एनी मोड। तो आपको दोस्तों 8 मैचेस खेलने हैं कौन से भी मोड में। तो आप रैंक के अंदर भी खेल सकते हो, अनरैंक के अंदर, अरेना के अंदर, तो ये कौन से भी इसमें बस 8 मैचेस खेलो, फिर आपका ये मिशन हो जाएगा। मिशन है 60 आरपी पॉइंट्स के लिए फिनिश मोर देन 14 प्लेयर्स इन सिंगल मैच इन अरेना। तो दोस्तों आपको अरेना के अंदर खेलना है, आप यहाँ इसे अरेना के अंदर इसमें किसमें भी खेलो, बस याद रखना है कि टोटल 14 या फिर उससे ज़्यादा एनिमीज मारने। तो 14 एनिमीज मारने, तो मैं कहूँगा सेंतुरीनी लगाओ या फिर जो चाहे आपकी वो मर्जी लगाओ, पर 14 एनिमीज मारो, आपका इजीली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 60 आरपी पॉइंट्स के लिए वीक 4 ओनली, लॉग इन टू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज। तो जैसे ही दोस्तों वीक 4 स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपको टोटल 3 दिन गेम को बस लॉग इन करना है, मतलब ओपन करना है। जैसे आप 3 दिन करोगे ये भी मिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मिशन है 30 आरपी पॉइंट्स के लिए फिनिश 1 एनिमी विद पिस्टल इन एनी मोड। तो आप देख सकते हो ये पिस्टल से, इनमें से कौन से भी एक पिस्टल आपको उठानी है और आपको एक एनिमी मारना है। तो आप रैंक के अंदर भी कर सकते हो, अनरैंक में या फिर अरेना में, आप टीम डेथ मैच खेलो, पिस्टल से एक एनिमी मार दो। फिर नेक्स्ट मिशन है 30 आरपी पॉइंट्स के लिए गिफ्ट और गिफ्ट बैग बीपी 2-3 डिफरेंट फ्रेंड्स। दोस्तों ये मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको होम स्क्रीन पर आना है, फिर आपको यहाँ आपके प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर आपको दोस्त के प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ आप देख सकते हो बीपी सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको बस इसे क्लिक करना है, फिर उसको बीपी सेंड हो जाएगी, फिर आपके मिशन के अंदर काउंट हो जाएगा। तो ऐसे आपको टोटल 3 डिफरेंट दोस्तों का करना है। आप देख सकते हो मैंने एक को किया तो एक हुआ, तो वैसे आपको दोस्तों चेक करते रहना है, ऐसे क्लिक करना है और देखना, ये देखो बीपी का ऑप्शन है तो इसे क्लिक कर दो, फिर आपका मिशन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 3 लोगों को ऐसे करना है। और लास्ट मिशन है 30 आरपी पॉइंट्स के लिए डिस्ट्रॉय 2 व्हीकल टायर्स इन क्लासिक मोड।
दोस्तों आपको दो व्हीकल के टायर्स डिस्ट्रॉय करने हैं क्लासिक मोड के अंदर। तो मैं कहूँगा आप रैंक के अंदर भी कर सकते हो, मैं कहूँगा अनरैंक लगाओ, इरेंगल लगाओ और देख सकते हो ऐसे व्हीकल के टायर्स के बस दोस्तों फोड़ दो फिर आपका एमिशन हो जाएगा। तो गाइस ये थे वीक 4 के सारे मिशंस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।